खाला नहीं है? नहीं, वो अभी तक सो रही है। उन्होंने लिफाफा खोल के तो नहीं देखा? मेरे ख्याल से देख लिया है। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतनी बड़ी गलती। मुझे लगता है ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ है, वरना वो लोग तो बहुत रख रखाव वाले हैं, तुम खुद उन्हें देख चुके हो। हो सकता है। परवीन भी रात से बहुत माजरत कर रही थी, उनके पास हमारा नंबर नहीं था। सबा भी बहुत परेशान है, परवीन बता रही थी कि वो हो सकता है हमें आज फोन करें। जो भी हुआ अम्मी, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। हाँ, हुआ तो बुरा है। तुम बताओ तुम्हें लोग कैसे लगे? लोग अच्छे हैं, लेकिन मुझे अब तक यही एतराज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बच्चों जैसी बातें मत करो, शुक्र करो इतने दिनों बाद इतना अच्छा रिश्ता मिला है, और वो भी सैयद घराने में। अम्मी, एक ही घर में दो रिश्ते करना बहुत आसान नहीं है, कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। कैसी कॉम्प्लिकेशंस? हमने उनसे कोई बात छुपाई तो नहीं है, सब कुछ सच बताया है उन्हें। और अगर उन्होंने कुछ छुपाया तो? ये तो कोई भी कर सकता है, हम इन्हीं से उम्मीद क्यों रख रहे हैं इन सब बातों की? फिर भी सोच ले अम्मी जान, क्योंकि कल के दुख से आज की देर ही बेहतर है। हाँ, पहले उनके घर से कोई जवाब तो आ जाने दो। अच्छा, आप बस खाला से कोई बात नहीं कीजिएगा, वरना वो सारा दिन डिप्रेशन में गुजारेंगे। हाँ, मैं कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, ऑफिस की तैयारी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, आओ सुबिया बैठो। मुझे ये बताओ लड़की, कि तुम्हें एक बात आराम से समझ नहीं आती? क्या हो गया आंटी? कौन सी बात? फिर कोई गलती हो गई क्या? मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि आंटी मत कहा करो, मुझे खाला कहा करो। मैं भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी खाला। अच्छा ये बताओ कि सवारी आज सुबह सुबह आई है, खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा भाई, मुझे पता तो चले कि आज तुम मेरे पास क्यों आई। सेबो, सेबो प्लीज़ मुझे एक कप चाय बना दो, क्योंकि जरदशा तो सो रही है। और हाँ, जब वो उठे तो उसके लिए जब नाश्ता बनाओ ना, तो मेरे लिए भी बना देना। आज मैं जरदशा के साथ नाश्ता करूँगी। बेगम साहिबा, आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चाय ले आओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि जरदशा सो रही है? क्योंकि मैं उसे कॉल करी थी और उसने अटेंड नहीं की। अगर जाग रही होती तो ज़रूर मेरा फ़ोन उठा लेती। तो तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? खाला, अगर मैं जरदशा के लिए रिश्ता लाऊं तो? अच्छा, तो आज तुम मजाक के मूड में हो? नहीं नहीं, सच में, अगर मैं जरदशा के लिए अच्छा सा प्रपोजल लाऊं तो आप मना तो नहीं करेंगे? भाई ये तो देखना पड़ेगा कि कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं। हाँ वैसे जरदशा के 3-4 रिश्ते आए हुए हैं, ये तो तुम्हारे खालू को तय करना है कि वो कहाँ उसका रिश्ता करते हैं। तो उसमें एक रिश्ता मेरी तरफ से भी ऐड कर दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरा लाया हुआ रिश्ता इतनी आसानी से मना नहीं करेंगे। अच्छा भाई, वो तो देखना पड़ेगा ना, कौन है, क्या करता है। वैसे एक बात बताओ, अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती शादी? तुम्हें क्या एतराज़ है भला? नहीं खाला जान, मैं नहीं कर सकती, वो रिश्ता है जरदशा के लिए। अब उन्हें पसंद भी जरदशा है तो शादी में कैसे कर सकती हूँ? हाँ लेकिन अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो लोग कौन हैं, लड़का क्या करता है, खुद कैसा है, और सैयद हैं भी या नहीं। ये सब आपको तब पता चलेगा जब मैं रिश्ता लेकर आऊँगी, लेकिन अब मैं जिसके लिए रिश्ता लेकर आ रही हूँ वो मैडम तो ऊपर सो रही है। क्या तुम वाकई संजीदा हो सुबिया? तो खाला, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में मैं जरदशा के लिए बहुत अच्छा सा प्रपोजल लेकर आऊँगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगी। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। वैसे सोबिया, वालदैन भी बड़ी नेमत होते हैं ना, अगर तुम्हारे वालदैन आज जिंदा होते तो तुम्हारे लिए भी फिक्र करते। खाला जान, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर वो लोग नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हैं ना, उनसे काम है क्या?
इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अच्छा तो फिर मैं जरदशा को उठा ही लेती हूँ, काफी टाइम हो रहा है। सरतशा उठो भाई, कब तक सोती रहोगी? देखो दूसरा दिन निकल आया, उठो। क्या मुसीबत है, क्यों आई हो? मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी शक्ल देखने का। जाओ भाड़ में जाए यार, ऐसी दोस्ती जिसके बीच में मैं मारी जाती हूँ। मैं ब्लैकमेल नहीं होती। वैसे मैंने सुना था मोहब्बत करने वाले को गहरी नींद नहीं आती। सुकून कहाँ हासिल इतना मोहब्बत करने वालों को। अच्छा ये लो, सुहेल ने भेजा है। क्या है? मुझे कोई जादू थोड़ी आता, खुद देख लो। बहुत अच्छी हो तुम। अगर तुम नहीं होती तो तुम्हारी इस हीर रांझा की स्टोरी का क्या होता? सर ये प्रपोजल मैंने तैयार कर दिया है, अब आप इसको चेक कर लें तो मैं इसके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपसे फाइनल साइन करा लेता हूँ। ठीक है रफीक साहब, ये मैं पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको बता दूँगा। अच्छा वो मुझे बताएं कि वारी साहब आ गए साइट का मुआयना करके? सर मैं चेक कर लें। देख लें और ज़रा उनको मेरे पास भेज दें। ओके सर। कज़न तुम्हें नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ। नहीं आई वाज जस्ट अबाउट टू लीव, तो मैंने कहा आई शुड लेट यू नो। बहरहाल आप बैठे और आप खेलें ऑफिस ऑफिस। तुम भी बैठो। ये अभी रफीक प्रपोजल देके गया है, पहले ये देखो ये प्रपोजल ज़रा मुझे बताओ। वो कह रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं और इसको एक बार पढ़ लो। मैं रिव्यू कर लेता हूँ इसको। और बताओ? और बताऊं? और बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। क्या? वाह ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी है। माशाल्लाह भाभी तो बड़ी खूबसूरत है यार, नाम क्या है इनका? नाम भी खूबसूरत है। तो क्या ये नाम है? बेवकूफ इंसान, मेरे कहने का मकसद है नाम भी बहुत प्यारा है। तो अक्लमंद इंसान मैं यही पूछ रहा हूँ, नाम क्या है? नाम है जरतशा। अच्छा नाइस नेम, लेकिन ये बताएं मुझे आप कि आंटी को पसंद आई कि नहीं? हाँ। लेकिन ये बताएं जनाब फिर आप उनको पसंद आई कि नहीं? ये तो नहीं पता मुझे शाहजैन। तो पूछ लो। किससे पूछूं? भाभी से और किससे? नंबर नहीं है मेरे पास। तो क्या हुआ, तुम रिश्ते वाली आंटी को फोन करो और कह देना कि अम्मी नंबर मांग रही है।